में कैसा एक्शन रहा इस क्वार्टर? फार्मा कंपनियों के नंबर्स एक क्वार्टर में काफ़ी दिलचस्प थे। अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी जैसे लूपिन थी, उनके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और ड्रग लॉन्च में डीले था। उसके अलावा थोड़ी कंपनी जैसे कि कैडला और बिंदो, ये लोग के यूएस सेल्स में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखी, विच मीन्स थोड़ा बॉटमिंग आउट प्रोसेस एक दिख रहा था। सन फार्मा ओवरऑल थोड़े म्यूटेड थे। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे नॉर्मल से बेटर थे। स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डीज, उनका एक पर्टिकुलर ड्रग है जो आया था मार्केट में, बट उसका सेल्स अजम्पशन करने के बाद भी ये पर्टिकुलर ड्रग ने उन्हें काफ़ी सारी बढ़ोतरी दी। सो की टेक अवेज अगर हम देखेंगे फार्मा कंपनियों के लिए, तो फर्स्टली यूएस सेल्स काफ़ी कंपनियों के बॉटम आउट हो रहे हैं या बिना ब्लॉकबस्टर ड्रग के भी बढ़ना चालू हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमेंट्री ने इंडिकेट किया है कि यूएस में जो जेनरिक प्राइसिंग प्रेशर है वो गिर तो नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है ये टाइम पे, पर एटलीस्ट उसमें एक गिरावट में थोड़ी बहुत रुकावट दिख रही है। और तीसरा, लोगों ने R&D एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, चाहे वो बायोकॉन हो, चाहे वो ऑरबिंदो हो, चाहे वो बहुत सारी दूसरी कंपनियां हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे जाके न्यू फैसिलिटीज या न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी उसके मद्दे रखते हुए उन्हें वो इन्वेस्टमेंट्स आज करने पड़ेंगे। तो ये तीन पॉजिटिव टेक अवे थे फार्मा नंबर्स के। हाउएवर ओवरऑल कॉस्ट अक्रॉस द कंपनी काफ़ी हाई थे, इसके लिए इनके मार्जिन लोअर देन एस्टिमेटेड थे। अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा कि मार्जिन बीट नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर, सो इनके कॉस्ट कंटिन्यू टू बी एलिवेटेड। रॉ मटेरियल कॉस्ट स्लाइटली हायर थे, R&D कॉस्ट हायर थे और थोड़े अदर एक्सपेंसेस हायर थे। तो इसमें आगे जाके क्या चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, ये मार्केट को थोड़ा इंतजार रहेगा। गुरमीत, क्या ये साल फार्मा का हो सकता है? जिस हिसाब से ट्रेंड्स बन रहे हैं, ओनरशिप है, 4-5 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, क्या आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपने भी कुछ फार्मा बेट ले रखी है पोर्टफोलियो में? काफी बीटेड डाउन है इस टाइम अजय फार्मा, और फार्मा को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा आपको 3-4 सब सेगमेंट्स में। तो जो जेनरिक है, जो ज्यादातर यूएस जेनरिक है, वहां पे मैं अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ। जो स्पेशलिटी बिजनेस है, जैसे अब सन फार्मा स्पेशलिटी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे, तो वो एरिया अच्छा लगता है। ब्रांडेड जेनरिक्स अच्छा लगता है, जैसे कैडिला है, कुछ MNC फार्मास है। CDMO बिजनेस ने इन लार्जली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 2021 हाई बेस था, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी, सॉल्वेंट प्राइसेस बढ़े, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का भी वैलिडेशन नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि डिवीज लैब जैसे शेयर में 40-50% का करेक्शन आया है पीक से। लॉरस लैब में 700 के लेवल से अभी 300-350 वाले लेवल पे, तो काफी ब्रूटल करेक्शन हुआ है। और हॉस्पिटल स्पेस अच्छा कर रहा है, हमने अभी अपोलो के भी आपने पिछले कुछ दिनों में बुक देखा होगा। तो मैं CDMO और जो API बिजनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक क्वार्टर शायद और तकलीफ हो सकती है नियर टर्म, बट वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं और ये बिजनेस थोड़ा लंपी है। जैसे आपको कोई नया मॉलिक्यूल कमर्शलाइज होगा, सडनली जो अपसाइड आता है वो भी अच्छा आता है। हॉस्पिटल बिजनेस में मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हूँ। और जो स्पेशलिटी है, तो मैं जेनरिक्स को छोड़ के अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, मैं धीरे धीरे पोजीशन बनाऊंगा, बट बहुत जल्दी नतीजे आने के चांसेस नहीं है, शायद एक क्वार्टर का या दो क्वार्टर का पेन और बचा है। ठीक है।